शिवपुरी के ग्राम ककरोआ में सेल्समैन से परेशान सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे जनसुनवाई में कलेक्ट्रेट सेल्समैन की शिकायत करते हुए कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, लगाई न्याय की गुहार। जानकारी के अनुसार शिवपुरी के पिछोर तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम ककरोआ के सैकड़ों ग्रामीण आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने सेल्समैन विक्रेता राहुल भार्गव की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि वह स्थानीय निवासी नहीं है, जिसके चलते नियमित रूप से दुकान नहीं खोली जाती है। कभी दुकान खोली जाती है तो निर्धारित समय पर दुकान नहीं खोली जाती है और निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न नहीं दिया जाता है। विक्रेता द्वारा शक्कर व केरोसिन विगत 6 माह से वितरित नहीं किया गया है, इस वजह से उपभोक्ताओं को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि खाद्यान्न केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों की तरफ से प्रदान किया जाता है, लेकिन विक्रेता द्वारा एक ही खाद्यान्न दिया जाता है। पूरा खाद्यान्न न दिए जाने को कहने पर अभद्रता करने लगता है और मारपीट करने उतारू हो जाता है। इसी के चलते आज सैकड़ों ग्रामीण एकत्रित होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत गिरी गोस्वामी सर। जनसुनवाई में कैसे आए आप लोग? जी सर, हमारे ग्राम पंचायत में जो सेल्समैन है, जो गल्ला पानी बढ़ रहा है सूखा का, और मोदी की तरफ से और शिवराज सिंह की तरफ से कभी समय पर नहीं मिलता है। लोग बाग परेशान होते आते हैं, बोलते हैं अभी गल्ला आया नहीं है, कभी बोलते हैं 4 क्विंटल आया है, कभी बोलते हैं 7 क्विंटल आया है। इसके बाद भी जाना कुछ कहते हैं तो कहते हैं कि आप क्या करोगे, कहीं भी जा करके आप कार्रवाई करके देख लो और जितनी ताकत है ताकत लगा के देख लो। इसलिए श्रीमान जी, हम कहाँ पर कलेक्टर साहब के पास आए कि हमारे ग्राम पंचायत का कुछ निर्णय किया जाए और मतलब सभी लोगों, गरीबों लोगों के लिए राशन पाई समय पर वितरण किया जाए। कितने ग्रामीण होंगे जिनको राशन नहीं मिलता है? कम हमारे थुनी में कम से कम 400 कारेट है। 400 कारेट में से सर कभी किसी को 2-4 किलो दिया जाता है, कभी 5 किलो दिया जाता है, कभी किसी को पूरा गल्ला आज तक नहीं दिया गया। सेल्समैन का नाम हमारे यहाँ राहुल भार्गव है। अभी दिनों से नहीं मिला रहा। अभी नहीं मिला सर, 8 महीने से नहीं मिला सर, किसी को भी नहीं मिला। मिलता है लेकिन कभी थोड़ा बहुत मिलता है। हाँ, थोड़ा बहुत मिलता है। कैसा मिलता है वो भी जो भी लड़ झगड़ के बोलते हैं, इसलिए नहीं देते हैं। तो ये बताइए कि जो फिंगर वगैरह लगाते हैं आप लोग, हाँ, तो पर्ची निकलती है तो पर्ची, आप पर्ची आज तक हम आज तक हमने पर्ची पर्ची में भी नहीं है। आज तक हमने कोई पर्ची नहीं देखी है सर, कैसी निकलती है। और कहते हैं आप अपना अंगूठा लगा दो, हम आपका चेक कर लेते हैं आपका गल्ला आया है कि नहीं आया, हमारा गल्ला चला जाता है। तो आते जाते राशन पहुंचता तो आप देखते तो होगा नहीं आया कि नहीं, भी भेजता था। अरे कल्लई सर, मैं पिछोर गया रास्ता में, जिस गाड़ी का नंबर था 98-99 लाल कलर की थी और मैंने उसको पलटी हुई करते हुए रास्ता में देखा। मैंने ग्रामीणों को फोन किया कि अपने गाँव का माल आ रहा है और रास्ता में उसको विक्रेता गल में ही घपला कर लिया।